नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज़ खबर वाराणसी से। गणतंत्र दिवस के दिन सीएए के संदेश को लेकर कंबल वितरण किया गया। इस दौरान मुस्लिमों ने सीएए के संबंध में फैल रही भ्रांतियों को दूर करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम मीडिया रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। इधर देखिए, इधर बाहर निकल जाइए, बाहर निकल जाइए। ठीक ठीक हो गया, ठीक है मैं मौलाना शकील अंसारी। शकील सर, ये किस तरीके का प्रोग्राम था, किस तरीके का मामला? ये सीए के बारे में था। ये मुस्लिम जो आज लोग कुछ अनेक पार्टियां जो गुमराह कर रही हैं लोगों को सीए के लिए कि ऐसे वैसे, ऐसे कोई बात नहीं है, सिर्फ एक गुमराहियत है। मुस्लिम समाज के लोग बहुत समझदार हैं, कुछ लोग इसमें हैं जो गुमराहियत में डाल रहे हैं। इससे हम लोग मुस्लिम भाइयों और बहनों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब लोग धीरे धीरे इसको समझ रहे हैं। इसलिए क्या है, सीए एक नागरिकता देना है, किसी से लेना नहीं है। जो आज के दौर में समझ रहे सीए नागरिकता लेना है, ये गुमराहियत फैला रहे हैं। इनसे कुछ होना नहीं है, ये सिर्फ कुछ दिन करते वो थक जाएंगे। हमारे ये मुस्लिम समाज की भाई और बहनें बहुत समझदार हैं। ये कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं, आज से 5 साल तक कोई ऐसा कार्य नहीं, कोई मौका नहीं मिला दल विरोधों पार्टियों को जो उसका विरोध करें। ये एक आड़ बनाए, इसका विरोध करने का मौका मिला, अगर ऐसा मिलेगा नहीं। मुस्लिम भाई और बहनें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि हमारे जो पीड़ित बाहरी से आए हैं, जो हिंदू मुस्लिम बहुत जितने हैं, उनको नागरिकता देना है। इसी के बहस ये का मतलब, इससे नहीं किसी का समर्थन छीन ले या कुछ कर ले, ये विरोध कर रहे हैं। सर, तो आज का प्रोग्राम क्या है? अरे आज का प्रोग्राम था कंबल वितरण करना गरीबों जो हैं, ये एक बहुत असहाय जो जरूरतमंद को। सवाल ये है कि कंबल जो था वो सीए के मैसेज के साथ था। हाँ, तो उसका मतलब क्या, आप लोगों ने उस कंबल को दिया भी लिया भी क्या था? नहीं, उसका ये कंबल हमारा देश सीए का मतलब इसलिए था कि लोग इसको जाने कि ये क्या चीज़ है। कंबल तो भाई हमने गरीबों की भी एक सहायता भी की है और सीए को जागरूकता भी की, ये जानिए, ये हर कोई जान रहा है सीए क्या है। किसी की नागरिकता छीनना, हमारे मुस्लिम भाइयों में सब कुछ साथ, देश हमारा है, हम जो देश के नागरिकता छीनाने से जो है गुमराह कर रहे हैं। जो बाहरी आए उनको नागरिकता देना है, और जो यहाँ के मौजूद है इनकी नागरिकता जाएगी नहीं, ये गुमराह कर रहे हैं, जाए भारत जाए। आज किस तरीके का प्रोग्राम था और उससे क्या संदेश आया? इससे समाज में बहुत बढ़िया संदेश गया है कि आज सीए के समर्थन में पत्रकार कॉलोनी में जो कंबल वितरण का आयोजन किया गया है, इसमें काफ़ी संख्या में मुसलमान भाई या बहनें जुटे हुए थे। उनको पहले यह समझाया गया कि सीए और का मतलब क्या है। आपको नागरिकता देने का प्रावधान है, नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है। और उनको समझाने समझाने के बाद जो गरीब तबके के लोग थे उनको कंबल वितरण किया गया कि ठंडी से वो बचे। हमारा देश महान है। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आज जो कार्यक्रम हुआ है बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। किस तरीके का कंबल वितरण था, उद्देश्य क्या था? गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हम सभी को हार्दिक बधाई देते हैं और इस अवसर पर नागरिकता संशोधन कानून जो लाया गया है, संविधान पे जो लागू किया गया है, उसके हम लोगों ने आज किया है और उसी का कार्य। तो किन लोगों के बीच में आज आप लोगों ने कंबल वितरण किया? हम सर्व समाज को, चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, सब सभी लोगों के बीच में जो भी रुक जाए, आए, सभी लोगों को कंबल रुक जाए रुक जा। मैम, किस तरीके का आज ये कंबल वितरण था, क्या पूरा उद्देश्य था इस प्रोग्राम का? आज नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत समर्थन करने आज तमाम लोग आए हैं, और मुस्लिम हिंदू
सिख ईसाई सभी धर्म के लोग भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज उनको कंबल वितरण किया गया है और साथ ही ये जागरूक किया गया है कि आप भ्रमित ना हो, सीए को गलत नहीं है, नागरिकता देने के लिए आपके लिए तो वापसी के लिए नहीं है, तो आप ये भ्रम में ना रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लोगों को समझाएं, क्योंकि इसमें मुस्लिम समाज में शिक्षा के अधिकार हो सकता है।